मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लगातार अपनी बमोरी विधानसभा क्षेत्र को नई सौगात देते नजर आते रहे हैं, जहां उन्होंने बेहतर और सुचारू विद्युत व्यवस्था के उद्देश्य से बमोरी विधानसभा क्षेत्र को 8 विद्युत सबस्टेशन स्वीकृत कराए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी बमोरी विधानसभा को सौगात। बेहतर और सुचारू विद्युत प्रदाय का सपना होगा पूरा। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 विद्युत सबस्टेशन हुए स्वीकृत। मंत्री सिसोदिया ने आमजन से की बिजली बिल भरने की अपील। मुख्यमंत्री बिलों में राहत योजना 2022 के हितग्राहियों के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि बमोरी विधानसभा के रहने वाले नागरिकों का मुख्य व्यवसाय खेती है और इसके लिए खेतों में सिंचाई के समय लोड बढ़ जाता है, बार बार अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं। इस समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से RRDS योजना के अंतर्गत बमोरी विधानसभा के लिए 8 विद्युत सबस्टेशन स्वीकृत कराए हैं, जो कि मोरखेड़ी, कोतर, श्यामपुर, किलामपुर, अग्रा, मोडका, बनेह, ढीमरपुरा और नर्मदा में बनाए जाएंगे, जिसकी कुल लागत लगभग 30 करोड़ रुपए आएगी। 35 करोड़ रुपए के 9 सबस्टेशन आज स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से मोड़का, बने, भीमरपुरा, मोरखेड़ी, श्यामपुर, कलामपुर और आगरा, और करीब करीब इतने ही पूर्व में स्वीकृत होकर काम भी प्रारंभ हो गया है, प्रोसेस में है। की सरकार ने आज एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के कोरोना काल का जो बिजली का बिल था 64 करोड़ रुपए का, वो माफ किया है। उसमें गुना जिला भी हमारा करीब 1 लाख लोगों के कोरोना काल के बिजली के बिल माफ हुए, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश की जनता के लिए और हम दिल से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी बमोरी विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बमोरी।